नमस्कार, मैं शिवानी, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तराखंड। पिंडर नदी में तीन दिनों से फंसी गाय को एनडीआरएफ और पुलिस ने सकुशल बाहर निकाला। विगत तीन दिनों से नारायण बगड़ के पास पिंडर नदी में बहकर आई एक गाय चट्टान पर फंस गई, जिसको देखकर स्थानीय लोगों, ब्लॉक प्रमुख, व्यापार संघ अध्यक्ष ने प्रशासन को इसकी सूचना देकर गाय को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकालने की गुहार लगाई थी। इस पर उप जिलाधिकारी थराली ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर गाय को बचाने के लिए रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ एवं एसटीआरएफ को नारायण बगड़ भेजने को कहा। इस पर एनडीआरएफ की कर्णप्रयाग यूनिट ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी मशक्कत करने के बाद गाय को पिंडर नदी के तेज बहाव से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। पुलिस चौकी नारायण बगड़ प्रभारी एसआई नवीन नेगी और एनडीआरएफ उनके एसआई गजराज सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम के परखाल मोटर मार्ग में खतरनाक चट्टान से रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर पिंडर नदी तक पूरी एनडीआरएफ और पुलिस के जवानों को पहुंचाया गया और नदी के तेज बहाव के बीच एक घंटे की जहोजहद के बाद गाय को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस पर वहां खड़े लोगों ने तालियां बजाकर रेस्क्यू टीम का अभिनंदन किया। तहसीलदार और राजस्व कर्मी भी इस दौरान मौके पर ही थे। फोन पर सूचना डीडीएमओ ऑफिस से मिली थी, इसके बाद हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद में हमारी एनडीआरएफ की टीम ने रोप रेस्क्यू की मदद से नीचे पहुँचकर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि गाय नदी के बीच में फंसी थी और नदी का जो बहाव था वो बहुत तेज था, रेस्क्यूअर ने बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद में गाय को निकाल लिया और गाय को जंगल में छोड़ दिया। दिक्कत तो थी, दिक्कत का सामना करा है हमारे रेस्क्यूअर ने, लेकिन रोप की मदद से नीचे पहुंचे और नीचे रोप को एंकर करने के बाद में हमारे रेस्क्यूअर गाय के पास पहुंचे और गाय को वहाँ बांध कर उसको रोप की मदद से खींच के लाए हैं। क्या आपके साथ में स्थानीय प्रशासन भी साथ दे रहे? हाँ, स्टेट पुलिस हमारे साथ लगी रही है, इन्होंने पूरा सहयोग किया है हमारा। इसमें पिछले दो दिन से सूचना मिली थी कि गाय पिंडर नदी के किनारे टापू पर फंसी है। इस सूचना पर स्थानीय प्रशासन को और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है। आज एनडीआरएफ की टीम आई है, जिनके माध्यम से संयुक्त कार्रवाई कर गाय को सकुशल निकाला गया। फिलहाल गाय को जंगल में छोड़ दिया गया है और अभी वो सब थोड़ा बीमार सी है और कल को शायद उसको ऊपर ले आया गया।